अगर पूरे विश्व में बात की जाए तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों के सभी स्तरों पर एक महत्वपूर्ण लैंगिक अंतर वर्षों से बना हुआ है। भले ही महिलाओं ने उच्च शिक्षा में अपनी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में जबरदस्त प्रगति की हो, फिर भी इन क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। और इसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आज का ये डे इवेंट अपने आप में विशेष है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जहां आज भी महिलाओं और लड़कियों को किसी भी क्षेत्र में कार्यरत होने के लिए या किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, वहीं आज का ये दिवस यानी कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस अपने आप में एक बहुत ही अच्छा दिवस है। 11 फरवरी को ये दिवस कब मनाया गया, इसको मनाने के पीछे कौन से ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ही योगदान रहा है। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तजिका गुप्ता, जीडीएफ लाइफ में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन यानी कि 11 फरवरी को कौन सा डे इवेंट है जो बहुत ही खास है और बेसिकली ये दिवस महिलाओं और लड़कियों के लिए क्यों विशेष है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको हर डे इवेंट के स्पेशल वीडियो ऐसे ही मिलते रहे और आप जागरूक रहे, लोगों को भी जागरूक करते रहे। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को आज के डे इवेंट की स्पेशलाइजेशन पता चल सके। शायद आपको पता हो कि महिलाओं को आमतौर पर उनके पुरुष सहयोगियों की तुलना में छोटे शोध अनुदान दिए जाते हैं, और जबकि वे सभी शोधकर्ताओं के 33.3% का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों के केवल 12% सदस्य महिलाएं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में 5 पेशेवरों में से केवल एक यानी कि 22% एक महिला है। चौथी औद्योगिक क्रांति को चलाने वाले अधिकांश तकनीकी क्षेत्रों में कौशल की कमी के बावजूद महिलाओं में अभी भी इंजीनियरिंग स्नातकों में केवल 28% और कंप्यूटर विज्ञान में सूचना विज्ञान में 40% स्नातक हैं। महिला शोधकर्ताओं के पास छोटे कम भुगतान वाले कैरियर होते हैं, उनके काम को हाई प्रोफाइल पत्रिकाओं में कम दर्शाया जाता है और उन्हें अक्सर पदोन्नति के लिए छोड़ दिया जाता है। आज का दिवस मनाए जाने के पीछे उद्देश्य है कि सभी क्षेत्रों में खासकर प्रौद्योगिकी और विज्ञान के महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ावा मिले। पूरे विश्व में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के विषयों में सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण लैंगिक अंतर को कम किया जा सके। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस आगामी उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में समीक्षा में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित महिलाओं और लड़कियों और विज्ञान की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करेगा, अर्थात SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता, SDG 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, SDG 9 उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, SDG 11 टिकाऊ शहर और समुदाय, SDG 17 कार्यान्वयन के साधन पर अनुसरण करते हुए वाटर यूनाइट्स अस, 7वें IDGIS द्वितीय उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान आयोजित पानी चर्चा सतत विकास के लिए जल पर कार्यवाही के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक 2018 से 2028 दुशांबे में आयोजित और दूसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन और लिस्बन में आयोजित जल पर उच्च स्तरीय संगोष्ठी 2023 संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन और अन्य संयुक्त राष्ट्र मंचों के लिए योगदान के रूप में। ऐसा करने से IDGIS का उद्देश्य भविष्य की ओर उन्मुख रणनीतियों के लिए विज्ञान नीति और समाज के बीच संबंधों को मजबूत करते हुए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जोड़ना है। IDGIS इस प्रकार SDG चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने में सर्वोत्तम प्रथाओं और रणनीतियां लागू समाधान का प्रदर्शन करेगा। इसमें पहली बार नेत्रहीन लड़कियों के लिए एक विज्ञान कार्यशाला और ब्रेल में विज्ञान को सुलभ बनाना विषय पर दृष्टिहीन साथी वैज्ञानिकों का एक सत्र भी शामिल होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये दिवस महिलाओं के सम्मान में आयोजित किया जाता है कि उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए आयाम और नए अवसर मिले और उन्हें एक नई पहचान मिले। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाए जाने के पीछे जो उद्देश्य है वो महिलाओं को निरंतर प्रोन्नति की तरफ ले जाना है, और आज का ये दिवस बहुत सारे देशों में मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए मत भूलिए जिससे हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कोई वीडियो आपके काम आ सकती है, आपकी जानकारी को पूर्ण बना सकती है। वैसे तो आप ऐसी ऐसी बहुत सारी वीडियो शेयर करते होंगे, लेकिन अगर आप कोई जानकारी वाली वीडियो किसी को शेयर करेंगे तो वो किसी के काम आ सकती है और इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो सफल हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।